वेलकम बैक टू आवर अगली लड़की लोग भाई। टाइम हो गया 7:11। और मैं होप करती हूँ आप सब ठीक हो गए, अच्छे हो गए, अपने घर में हो गए, अभी ठीक है, अच्छे हैं अपने बेड पे फिलहाल तो सो रहे हैं। देखो क्योंकि मौसम ठंड ऐसा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पंखा और कम्बल जरूर चाहिए। और विशाल से और भी बाकी मैं सो रहे हैं और मैं उठी हूँ भी। सोचा आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कैसे करते हैं। और भाई बाहर का मौसम देखते हैं कैसा है। चलिए कुछ किचन में देखते हैं क्या बनाना है क्या नहीं। मौसम देख ऐसा है, 7 बजे की बारिश बता रखी थी, बट शुक्र है कोई बारिश नहीं है। ऐसा मौसम कुछ बाहर का चलते हैं किचन में देखते हैं क्या बनाना है क्या नहीं। लाइट गई हुई है ना इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो भाई देखते हैं क्या बनाएंगे। के लिए पराठा के विश पे चावल बहुत कम खाते हैं। और भाई मैं शूट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, रात को चार्जिंग लगाना भूल गई थी मैं और रात को लाइट भी नहीं थी सुबह। बट ये सुबह भी अभी तक लाइट नहीं आई है, शॉप पे जाके देखेंगे लाइट होगी या नहीं, भगवान करे लाइट हो, क्योंकि बिना लाइट के हम शॉप पे बैठ नहीं सकते और हम बैठते भी नहीं हैं। हर जगह का यही सुन रहा है कि लाइट ना हो, और बाकी क्या पता उस साइड लाइट हो, गर्मी की वजह से लाइट कट हो जाती है। और बाय नहीं हेलो हेलो। और श्रेया ने आज अपनी मामी की लाई हुई ड्रेस पहनी, मेरी माँ से लाई थी ड्रेस श्रेया की। चलिए भाई चलते हैं दुकान पे, आपको भी लेके चलते हैं। मैंने 2 सूट स्टिच करवाए हैं, देखते हैं कितने दिन में तैयार होंगे कितने दिन में नहीं। एक तो मम्मी ने दिया था अभी बर्थडे पे, रोहित के बर्थडे पे, और एक सूट मासी ने दिया था। मासी भी बोल रही थी देखूंगी तेरे ब्लॉग में सूट तूने सिलवाया नहीं सिलवाया, बाकी सूट मेरे को पसंद आया था और इसलिए मैंने सिलवाना दे दिया है सूट। और वो घूमने वाला भी क्योंकि शॉप पे जाती हूँ इसीलिए डाल के जाने पड़ते हैं बड़ी अच्छे सूट। और मेरा फोन आप देख सकते हो कैमरे में सामने, बारिश दिखा रखी थी पर धूप इतनी तेज निकली हुई है। 100% बारिश दिखाते हैं तो बारिश होती नहीं, धूप निकल जाती है। धूप निकले का फायदा क्या है, लाइट तो है नहीं आज, भगवान करे दुकान पे लाइट हो। क्या है शरारत करते रहते हो आप। और आज शाम को हमें शॉप से घर आते टाइम मार्केट जाना है, ये यूवी का की चप्पल लेके आनी है, आज ये श्रेया की सैंडल डाल के आई है क्योंकि इसके ना सैंडल खराब हो गए भाई, डेली कल कल हो जाता है, आज लाएंगे कल लाएंगे आज लाएंगे कल लाएंगे, बट टाइम ही नहीं मिलता डेली, आज कल हो जाता है। मन कल भी था लाने का बट कल एक तो मौसम चेंज था, मौसम ठंडा था और फिर कल पैसे वैसे डलवाने थे उसमें, फ़ोन में किस्त में डलवाने थे पैसे, वो फ़ोन में पैसे डलवाने थे क्योंकि मेरे फ़ोन की किस्त कटती है इसीलिए, वैसे ही लेट हो गए थे। फिर भूख भी लगी थी इसीलिए कल लेंगे, मेरे को भी एक आधा सामान लेना है मार्केट से, देखूँगी शायद आज टाइम लग जाए तो आज ले कर। मार्केट को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कहीं पर भी लाइट नहीं है, सब बिना लाइट के बैठ गए ऐसे ही, और देखते हैं क्या रहेगा क्या। अब जिनके पास नहीं मैटर है वो तो चलेगा ही,
घर पे तो इन्वाइटर है हमारे, बट शॉप पे इन्वाइटर बोल दिया मैंने, चल को रख ला, बोल तो रहे हैं रख लूँगा, और देखो क्या होता है क्या। टाइम हो गया 10:30, टाइम हो गया है 10:22 हो गए, और हम आ गए शॉप पे। शॉप पे आने के बाद हमने शेक पी लिया है, विशाल ने पिया बनाना शेक और मैंने पिया मैंगो जूस। और भाई श्रेया को छोड़ दिया स्कूल में, है ना, छोड़ दिया ना श्रेया को स्कूल में। और ये बाबू जी लगा रही है शॉप पे पोछा, झाड़ू पोछा मैं कर देती हूँ शॉप पे डेली, बट आज मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, क्योंकि मेरे को है ना हर बार हर साल हर ईयर मेरे को है ना मौत ज़्यादा हो जाता है, और मेरे को अब फिर सिम्टम्स लग रहे हैं वहीं जो मेरे को परेशान करते हैं। तो देखती हूँ एक दो दिन में पैसे आएंगे तो टेस्ट कराऊंगी, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। आज इतना दर्द था सुबह सुबह पैरों में, इतना दर्द था कि आज मैंने सुबह रोटी भी नहीं बनाई, मैंने सुबह चावल बनाए नमकीन, बट श्रेया के लिए तो रोटी बनाई थी, क्योंकि श्रेया चावल बहुत कम खाती है। दिए मैंने उसको इतने से चावल, एक पराठा और एक दो रसगुल्ले। अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, वही टाइम हो गया 4:30 हो गए, 4:30 मिनट रहती हूँ। मॉर्निंग में श्रेया गए हैं विशाल, उसके काम पे गए हैं विशाल, बोल रहे थे कि मैं आते आते ले आऊँगा रास्ते में, बोल रहे थे कि मैं आते आते रास्ते में ले आऊँगा, मेरी तबियत खराब है, कैश लेके आऊँगी डॉक्टर के पास, मेरी तबियत ढीली हो गई, पैरों में दर्द हो रहा है मेरे, बहुत तेज टेस्ट कराऊंगी, देखूंगी क्या रहेगा क्या नहीं। देखते हैं किस टाइम में विश रहे, किस टाइम में हो ही गया सुबह, नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, बट रात को हम पापा के वहाँ से निकले थे तो पापा ने एक पॉप दो पॉपकॉर्न और पापा ने केले दे रखे हैं, तो पापा ने केले दिए थे, तो बनाना श्रेया खुश होकर खाते, तो मैंने श्रेया को बनाना दिया था पॉपकॉर्न टाइप करके, तो उसको एक युविका को और एक श्रेया को, और लंच बॉक्स में पैक किया था एक पराठा, दही दही तो नहीं थी शायद, पराठा हाँ थी शायद, पराठा दही और नमकीन चावल थोड़े से, और दो रस एक रसगुल्ला ये डाला था मैंने आज उसके लंच में। परसों शाम को परसों बारिश हुई थी तो हम शॉप के लिए तैयार तो हो गए थे, बट मैं जा नहीं पाए थे क्योंकि बहुत तेज बारिश आ रही थी, तो छुट्टी कर ली थी हमने, तो शाम को जब घूमने गए तो श्रेया ने टोए के लिए जिद कर ली थी, तो मैं कहा इससे अच्छा हम उसको 200-250 का हम उसको टॉयज दिलवाएंगे, इससे अच्छा इसका लंच नया ले लेते हैं हम, जो कि हमने पहले लिया था तो वो भी अच्छा, बट वो टेम्परेरी सा था, एक उसमें इतनी सी छोटा सा बॉक्स था और लंच बॉक्स था, तो है ना हमें ऐसा चाहिए था नीचे उसमें रोटी आ जाए और ऊपर सब्जी आ जाए, एक बॉक्स हो उसमें कुछ डाल दे बच्चों के लिए, तो वो लंच बॉक्स लिया था। हेलो हेलो उबी, कैसे हो बेटू आप, कैसे हो, आओ मम्मा के पास, आओ मम्मा के पास। तो वही मिलते हैं आपको थोड़ी देर में श्रेया के आने के बाद। भाई श्रेया आ गई है और टाइम हुआ है 12:41, और श्रेया का हम ये वाला लंच बॉक्स लेके आए थे, इसमें देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये ऐसे है लंच बॉक्स, इसमें भी कुछ आ जाएगा और इसमें भी और नीचे भी, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा श्रेया का लंच बॉक्स, इसका लेने तो अंदर गए थे हम तो, बट हमें ये पसंद आ गया तो हम लेके आ गए, और बारिश का मौसम हो गया भाई दोबारा से। हेलो हेलो, और ये श्रेया आ गए आप स्कूल से, क्या किया आपने स्कूल में, और ये बैठे और भाई तबियत तो मेरी खराब ही है, मौसम ही ऐसे चल रहा है, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। कितना टाइम हुआ है लाडी, ओए हेलो, टाइम 1:40 हुआ है, एक हाँ 1:40 1:42, और भाई बारिश देखो आप कितनी ज़्यादा हो रही है,
कमेंट करके बताना है किस किसके वहाँ पे बारिश हुई है। मूवी का गिरेगी देखना, आओ मम्मा के साथ बारिश देखो। ये बोल रहा है राम जी, बस आपको मैं बरसूंगा, काम ना करने दू आज। मूवी और वो विशाल, हेलो ओए, हेलो हेलो करो, और काकू से बिक रहा हो। आपने तो दीदी की जींस पहनी है आज, यूवी की। और ये यूवी एबो एबो करो, एबो 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 मेरे छोरे भाई। बारिश देखो, टमाटम 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 बरसे ही जा रहा है, बरसे ही जा रहा है, मना कर रहा है। तो आज मैं ना देखूँ, टाइम हो गया है 7:01 हो गया और हम आ गए हैं घर। घर के आने के बाद मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया और मैं लेके आई हूँ आज। आप गैस कर ही सकते हो, मैं भी। और ये मैंने काट दिए, ये मैंने चेक कर दिया अनियन। और ये देखो भाई, आज मेरा नमकीन फट गया बीच से। क्यों? क्योंकि आज मैं नमकीन चावल लेके गई थी और ना वो बच गई थी, इस अच्छे से पैकेंगे तो है ना। हमारे शायद जो हलवाई है वो खा लेते हैं, हमारा जूठा भी नहीं करते। मैंने हलवाई भी देखा था, भैया खा ले। और है ना उनको जैसे दे रही थी ना मैं, तो वो डिब्बा खोल रही थी मैं खाने का, और खाने को लग गया, नखून फट गया बीच से, दर्द हो रहा बहुत तेज। क्या बताऊँ, चलिए मैं भी बनाती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ कैसे काम कैसे। फिलहाल तो कुछ ज़्यादा डाल के नहीं बनाऊँगी मैं, जैसे बॉईल करके बनाते थे तो वैसे बनाऊँगी। मेरी मैगी हो गई है रेडी। और ये विशाल, युविका, श्रेया खा रही हूँ मैगी। तो भाई मिलते हैं आपको थोड़ी देर। चिमुट तो ही नाम खड़के सरदारी आड़े कायम सदा रखे झंडे। हो जिन्ना नाल रही थी तेरी मैं रोक दी।